हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए शादी जैसा सोया चाप की सब्ज़ी घर में कैसे बनाएं वो शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सोया चाप में क्या क्या स्पाइसेस डलेंगे। और एक चीज़ के लिए आई एम सॉरी कि मैंने स्टार्टिंग से प्रोसीजर शूट नहीं किया, तो मैं आपको बीच से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको सोया चाप को अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद उन्हें छान के और ठंडा होने के लिए रख दें कुछ देर के लिए। उसके बाद आपको सोया चाप को कुछ इस तरीके से कट करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। ध्यान से देखना मैंने कैसे कट किया हुआ है। अब आपको इन सोया चाप को फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, ये ध्यान रहे। आप ध्यान से देखना मैं कैसे इन्हें फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ हाफ के जी प्याज लिया है, हाफ के जी टमाटर, 100 ग्राम मिर्च, 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम ही लहसुन लिया है। इन सबको अच्छे से धो के काट के और इन्हें कुछ इस तरीके से उबाल लेना है। इन सभी को एक ही जगह करके उबालना है, अलग अलग नहीं उबालना आपको। इसके बाद इनका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हो मैंने कैसे पेस्ट बनाया है। और यहाँ हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और आपको जो पानी उसमें निकलेगा, जो हमने स्पाइसेस उबाले थे, वो आपको फेंकना नहीं है, वो आपको ग्रेवी में ही ऐड कर देना है। इसके बाद जो हमने थोड़ी देर पहले चाप को फ्राई करने के लिए रखा था, वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने इसे निकाल लिया है और जो चाप बची है उन्हें उसमें डाल दिया है तेल में। अब जब तक ये फ्राई होती है तब तक आप खड़े मसाले देख लो। सबसे पहले हमने यहाँ दालचीनी ली है, 4 बड़ी इलायची ली है और ये छोटा पीपल बोलते हैं इसे, हमने 8 से 9 छोटा पीपल लिया है। उसके बाद हमने 12 से 14 काली मिर्च ली है और काली मिर्च में गलती से जीरा और कुछ स्पाइसेस थे जो डल गए थे, तो हमने वो भी ले लिए हैं। इसके बाद आपको 6 से 7 लौंग लेनी है, 8 से 10 छोटी इलायची लेनी है और 2 जावित्री लेनी है। इसके बाद 2 से 3 आपको तेज पत्ता लेना है। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या स्पाइसेस लिए हैं। अगर इनमें से आपके पास कुछ ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो भी हो आप उससे काम चला सकते हो। अब यहाँ हमने हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद आपको लेना है कस्तूरी मेथी 2 टेबल स्पून, इसके बाद
आपको 3 टेबल स्पून सौंफ लेनी है। सौंफ के बाद आपको 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर लेना है। उसके बाद 1/2 टीस्पून आपको 1/2 टीस्पून अजवाइन लेनी है और 1 टीस्पून जीरा लेना है। आप ध्यान से देखना इसमें क्या क्या मसाले मैंने लिए हैं। इसके बाद एक बड़ा सा पैन लिया है, उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको जीरा और अजवाइन का छोंक लगा देना है। आप देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। इसके बाद आपको तेज पत्ता तोड़ के डाल देना है और जो भी हमारे खड़े मसाले थे वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं ऑयल में, और दालचीनी को तोड़ के डालना है ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आए। इसके बाद आपको कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो आपको कैसा कलर चाहिए। उसके बाद जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो ग्रेवी ऐड कर देनी है। अगर आपकी ग्रेवी आपको थिक नहीं चाहिए तो आप इसमें टाइम टू टाइम, मतलब आपको जब लगे कि हाँ ग्रेवी थिक हो रही है तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो। हमने बीच में 2 से 3 बार पानी ऐड किया है तो आप भी अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हो। जैसी भी आपको ग्रेवी चाहिए वैसा आप उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दें। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाएं। इसके बाद जो बाकी के मसाले थे आप वो ऐड कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ। अब यहाँ जो बाकी मसाले थे वो ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसे अच्छे से चलाइए। थोड़ी देर इसे ढक के रख दें। अब इसे पकने दें थोड़ी देर तक। अगर आपको ग्रेवी थिक लग रही है तो आप उसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी इसे ढक के कुछ देर पकाएं। और आप इसमें जो चाप हमने फ्राई की थी उन चाप को डाल दें। आप देख सकते हैं मैंने सारी चाप जो फ्राई की थी वो सब्जी में डाल दी है।
इसके बाद अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल सकते हैं, अगर आपके पास खोआ है तो इसी टाइम पे आप खोआ ऐड कर दीजिए। हमारे पास क्रीम थी थोड़ी सी तो हमने वो क्रीम इसमें ऐड कर दी है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद इसे मिला के अच्छे से पकने दीजिए। यहाँ इसे कुछ देर ढक के पकाइए अच्छे से। और यहाँ हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। आप इसे रोटी नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, और अगर आप इसे रोटी और नान के साथ नहीं खाना चाहते तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, और ये मेरे पापा की रेसिपी है तो मेक श्योर आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।